मध्य प्रदेश की राजनीति में एक खबर ने भूचाल मचा दिया है। बुंदेलखंड के सागर से तीन मंत्रियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा की अंदरूनी कलह उजागर होती दिख रही है और बगावत के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश। एक निजी अखबार और मीडिया से निकली जानकारियां कहती हैं कि सागर के तीन मंत्री गोपाल कृष्ण भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच तनातनी चल रही है। सब पावर का खेल है। दोनों मंत्री और दोनों विधायकों के साथ जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से बीते दिन भोपाल में बंद कमरे में मुलाकात कर सियासी धमाका किया है। उससे भाजपा की दुकानदारी हिल गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सागर के विधायक शैलेंद्र जैन, नरेयावली के विधायक प्रदीप लारिया, भारतीय जनता पार्टी के सागर के जिला अध्यक्ष गौरव सरोठिया, मुख्यमंत्री के दरबार में नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत करने पहुंचे थे। अखबारों की सुर्खियां यही है। इनका मानना है कि सियासी अतिक्रमण हो रहा है। सागर जिले में पावर सिर्फ भूपेंद्र सिंह के हाथ में है और उन्हीं की जिले में चल रही है। साथ ही भूपेंद्र सिंह इनके दुश्मनों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। जैसी ये खबर अखबारों में जारी हुई, वैसे गोपाल भार्गव ने इस खबर को भ्रामक खबर बताते हुए कहा है कि विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से एक सौजन्य भेंट थी। ऐसा कोई मसला नहीं है, सभी मंत्रियों में दोस्ती है, भाईचारा है। कल मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संगठन विषयों के संबंध में और जो आकांक्षी विधानसभाएं हैं जहां पर हमारे विधायक नहीं, वो हम कैसे जीते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई थी। आज मुझे जानकारी मिली कि उसको भ्रामक रूप से थोड़ा प्रचारित किया गया। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य हूं। 1980 से लगभग 43 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का अपोजिशन में भी विधायक रहा, अभी सरकार में भी मंत्री हूं, लेकिन 43 वर्षों में मैंने एक बच्चे की तरह अपनी, जैसी माँ की सेवा होती है वैसे भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ की तरह पुष्पित पल्लवित तो सेवित किया है। और इस कारण से किसी को इस बारे में शंका नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, हम सब एक हैं। हम मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं और हमारी ये सौगंध है कि आने वाले वर्षों या इस वर्ष नवंबर में जो हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे, आगे लोकसभा के जो चुनाव होंगे अगले वर्ष, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम मध्य प्रदेश में 100% सफलता लोकसभा में और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश की विधानसभा में विजय करेंगे। किसी प्रकार को इस विषय में कोई शंका नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में हम लोगों ने खासतौर से, मैंने चूंकि वरिष्ठ हूं प्रभु कृपा से, तो मैंने इस पार्टी को खड़ा करने में जो अपना समय लगाया है, निश्चित रूप से पार्टी के लिए भविष्य में और ज्यादा मजबूत करने में वह सार्थक सिद्ध होगा। लेकिन तरकस से निकला तीर भाजपा की अंदरूनी कलह को उजागर कर गया। असलियत में चाय से गर्म केतली होती है। भूपेंद्र सिंह कुछ ना कहें, लेकिन उनके कुछ समर्थक सियासी हवा और फिजा दोनों खराब कर रहे हैं। उनकी समर्थकों की बदौलत मंत्री भूपेंद्र सिंह की राजनीति गड़बड़ा रही है। भूपेंद्र सिंह ने हमेशा की तरह इस मामले में खामोश रहना ही बेहतर समझा है। भाजपा में पूरे मध्य प्रदेश में अंदरूनी कलह हर जगह व्याप्त है, बस इसी का फायदा कांग्रेस उठा रही है। लेकिन गोपाल भार्गव ने जिस अंदाज में पूरी खबर का खंडन किया है, उससे लग रहा है कि दोस्ती भी होगी, आगे चल के मित्रता भी होगी और बेहतर संबंध भी बनेंगे।
कुछ चीज़ों में बुराइयां हो सकती हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में दोस्ती भी संभव है। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहेगी जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। सियासत में आपस में मतभेद चलते रहते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन भाजपा का अंदाज है कि कुछ लोग सामंजस्य बैठाने के लिए भाजपा के पास हैं। एक बहुत बड़ी टीम इस सामंजस्य बैठाने का काम करती है, जिससे बगावत और गुस्सा सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश के सागर से अंदरूनी कलह पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की रूह जरूर कपा गई। लेकिन एक बात जरूर है, अखबार की सुर्खियां बता रही हैं कि अगर कोई मसले का हल नहीं हुआ तो ये विधायक और मंत्री इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसमें एक बात बिल्कुल साफ तौर पर झलक रही है कि मध्य प्रदेश के सागर के कार्यकर्ताओं की पूरे जिले में कौन सुनवाई करता है, जरा हाथ उठाकर वो नेता बताए। अपने क्षेत्र के विकास की चिंता करना विधायक और मंत्रियों का दायित्व है, लेकिन पूरे जिले की ठेकेदारी कौन ले सकता है? उसमें शायद भूपेंद्र सिंह सबसे आगे, वो पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं, और शायद यही वजह है कि कभी कभी अंदरूनी कलह इसी वजह से उपजती है। और यही पूरी कहानी है कि भूपेंद्र सिंह के पास पूरे जिले के कार्यकर्ता आते हैं और कुछ लोग, कुछ नेता अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं। यही शायद इस पूरे मसले की जड़ है जो विस्फोट होकर निकली है। बहरहाल मध्य प्रदेश के सागर से निकली यह खबर बहुत दूर तलक जाएगी, जिस पर कांग्रेस जबरदस्त प्रहार कर रही है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या नक्शा, हम आपके घर को बनाएंगे सपनों का घर, वो भी उच्च गुणवत्ता और वाजिब दामों पर। तो आज ही विजिट करें।